चलो कम टू रेज्यूमे राइटिंग। आज भी हमको अच्छा खासा लिखना है, सो प्लीज एक आखिरी बार लिख लेना। देखो इंट्रोडक्शन क्विकली आई विल रीड, इसमें भी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अ रेज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस यू, दैट इज द एप्लीकेंट टू योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और ट्रेनर, चैप्टर नंबर 12, रेज्यूमे राइटिंग, ठीक है। इट टेल्स देम हु यू आर, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाई दे शुड हायर यू, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, तुमने क्या किया है, राइट, एंड वो तुमको क्यों हायर करे, बेसिकली हाउ डू यू स्टैंड आउट डिफरेंट। देर इज नो नीड फॉर अ ट्रेनर और एन एम्प्लॉयर टू नो एब्सोल्युटली ऑल देर इज टू नो अबाउट यू, मतलब क्या पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीजें लिखोगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल, राइट, और कुछ लिखोगे क्या? नहीं, देर आर सम पीपल हु ऑल्सो इंक्लूड अपना स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, ठीक है, सिंगल मिंगल नहीं लिखना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू मेक ऑन अ प्रोस्पेक्टिव ट्रेनर और एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर रेज्यूमे। इन दिस इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज एन इम्पेरेटिव दैट योर रेज्यूमे मेक्स एन इम्प्रेशन एंड गिव्स द बेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयर और ट्रेनर्स अटेंशन, ठीक है। नाउ क्विकली लेट अस गो थ्रू द रेज्यूमेज। अब तीन स्टाइल दिए हैं आपके मॉड्यूल में, यू कैन प्रिपेयर योर रेज्यूमे इन थ्री स्टाइल्स, ओके। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, अब दिस इज द मोस्टली कॉमनली फॉलोड स्टाइल आई वुड से। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, स्टार्टिंग से लेके आपने अब तक क्या क्या किया है, इन विच ऑल एम्प्लॉयर्स ऑफिसेज यू हैव वर्क, यू हैव टू गिव उसके डिटेल्स, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का वी विल सी वन सैंपल, कम टू दिस सैंपल, सैंपल वन, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे इन द मिडिल दे हैव गिवन द नेम, एड्रेस, प्लेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सारी चीजें मिडिल में हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ऑब्जेक्टिव में तुम ऐसा लिख सकते हो, टू बी एसोसिएटेड विथ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर टू मी ट्रिमेंडियस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ इन करियर एंड प्रोवाइड अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट। अब देखो रेज्यूमे का टाइटल कुछ भी हो, यू कैन इंक्लूड दिस एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव इन एनी रेज्यूमे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, प्रिपेयर अ रेज्यूमे फॉर सम फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है, तुम फ्लाइट अटेंडेंट हो, तुम उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्टिव हर रेज्यूमे में एप्लीकेबल होगा, और अंदर का जो कंटेंट है दैट ऑल्सो यू कैन राइट यहाँ से एज इट इज, तो ये लर्न कर लेना दो लाइन्स। देन देखो आई वुड से डू नॉट गो फॉर दिस समरी, डायरेक्टली कम टू एक्सपीरियंस। अब प्रेजेंट में तुम कहाँ पर काम कर रहे हो, उसका एड्रेस, उसका नाम, और तुम वहां पर क्या क्या चीजें करते हो, उसकी एक ब्रीफ समरी आपको देनी है। क्या लिखा है, डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग स्कोप्स, मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल सिस्टम्स, परफॉर्मिंग पीरियोडिकल फाइनेंशियल ऑडिट, प्रिपरेशन ऑफ रिप्लाई टू नोटिसेस, सेल्स टैक्स, मतलब वहां पर जो तुम बेसिकली प्रेजेंट में कर रहे हो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, पहले जिसके साथ काम कर रहे हो वो फर्म का नाम आएगा, वो फॉर्म कहाँ पर बेस्ड है वो लोकेशन आएगा, एंड उसके बाद ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग ओवर देयर करंटली। नेक्स्ट क्या है, उसके पहले तुम कहाँ पर काम कर रहे थे इन 2001 टू 2003, उसके डिटेल्स, ठीक है। सो यू आर वर्किंग विद दीज पीपल, इनका डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, उनका एड्रेस दिया है, ठीक है, एंड यू वर्क्ड एज अ कोर टीम मेंबर, और फिर वहां पर तुमने क्या क्या चीजें हैंडल की हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन, 2004 में यू कंप्लीटेड सीए फाइनल, 2001 में आईपीसीसी, 98 में सीपीटी, 2000 में बीकॉम, 97 में 12th, 95 में 10th, ठीक है। और इन सब के लोकेशंस देने, देखो फाइनल मुंबई से किया, आईपीसीसी दिल्ली से किया, सीपीटी दिल्ली से किया, बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, 12th इज फ्रॉम शालीमार बाग अगेन दिल्ली, एंड 10th इज पब्लिक स्कूल अगेन दिल्ली, ठीक है। तो दिस इज एजुकेशन। नेक्स्ट कम्स योर स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स चाहे दो लिखो तीन लिखो, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका रेज्यूमे में स्किल्स मेंशन करना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप हर चीज में लिख सकते हो, वेल वर्स्ड विद एमएस ऑफिस, देन टैली, देन कंप्लीटेड कंपल्सरी 250 आवर्स, अब ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग वाला है, ये देखो क्या लिखा है, कंप्लीटेड कंपल्सरी 250 आवर्स ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग एज पर आईसीए करिकुलम,
लास्ट अपडेटेड विद द लेटेस्ट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स. फिर आएगा पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, ये स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन, परमानेंट एड्रेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में डिक्लेरेशन देना कि ऊपर जो भी मैंने लिखा है ये मैंने गुड फेथ में लिखा है. आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. डेट, प्लेस और राइट, एक्सट्रीम राइट पर आएगा नाम. ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है? क्रोनोलॉजिकल. नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, नेक्स्ट स्टाइल है रादर. नेक्स्ट स्टाइल इज, स्टाइल का नाम है फंक्शनल फॉर्मेट. अब फंक्शनल फॉर्मेट आप कब बनाओगे? जब कोई एक फ्रेशर रहता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो कौन सा प्रेफर करेगा बनाना? फंक्शनल फॉर्मेट. ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस. इसका थ्योरी एक बार देख लो, यू विल अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर. कम टू इसका थ्योरी, पता हो पेज नंबर क्या है इसका? फंक्शनल रेज्यूमे का थ्योरी. ओके, आई विल रीड क्या लिखा है. द फंक्शनल रेज्यूमे प्लेस मोर इम्पोर्टेंट प्लेसेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन योर स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट. ठीक है, अच्छा ये कौन बनाता है ये वाला स्टाइल का? ये इंपॉर्टेंट है. देखो क्या लिखा है, दीज रेज्यूमेस शोकेस योर स्किल्स एंड आर मोस्ट सूटेड फॉर पीपल हु हैव गैप्स इन योर करियर. है ना, कि कुछ लोगों ने परस्यू कर ली डिग्री, फिर दो तीन साल के बाद कुछ नहीं किया, अगेन दे आर स्टार्टिंग टू वर्क, तो उनके करियर में गैप है, एक साल का, दो साल का, वट एवर, तो वो प्रिफर करेंगे फंक्शनल रेज्यूमे बनाना. दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे इज ऑल्सो आइडियल फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स. इसको अंडरलाइन कर लो, जिनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस होता है दे विल प्रिफर मेकिंग अ फंक्शनल रेज्यूमे. वाई? क्योंकि उनके पास स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता है. और फंक्शनल रेज्यूमे में हम किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? स्किल्स पर. ठीक है, फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. उसके पास क्या होंगे? स्किल्स होगा, वो अपना टैलेंट शोकेस करेगा, राइट? तो ये किसके लिए है? द पीपल हु हैव गैप्स इन योर करियर एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स. ठीक है, फ्रेशर्स बेसिकली हु आर न्यू टू वर्कफोर्स और आर लुकिंग टू चेंज करियर पाथ्स. ठीक है, ये फंक्शनल रेज्यूमे बनाएंगे. अब इसका सैंपल देखो नीचे. सी व्हेन यू सी दिस सैंपल, देखो आपको बहुत सारे स्किल्स देखने मिलेंगे. देखो डेविड अल्टर. अब अगर आप ऊपर ऊपर से ही देखते हो, देखो इसने टेक्निकल स्किल्स का अलग से कॉलम बनाया है, पर्सनल स्किल का अलग से कॉलम बनाया है, देन कम्स हिज एजुकेशन, देन हिज अचीवमेंट्स अगर उसने कोई अवार्ड्स वगैरह रिसीव किए हैं तो, एंड थोड़ा सा अगर उसके पास कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, एंड लास्ट में डिक्लेरेशन आ जाता है. ये एक पेज से ज्यादा नहीं बनता है क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, सो ही विल शोकेस मोस्ट ऑफ हिज स्किल्स. ठीक है, ये पढ़ लो, टेक्निकल स्किल्स कौन से हैं, पर्सनल स्किल्स कौन से हैं. इसमें इन्होंने इसमें इसमें रेफरेंस भी प्रोवाइड किया है और लिखा है विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, एंड लास्ट में तो डिक्लेरेशन आता है, डेट, प्लेस एंड एक्सट्रीम राइट पर द नेम. डिक्लेरेशन हर स्टाइल में आएगा, क्रोनोलॉजिकल में भी था, फंक्शनल में भी है. एंड इसके नेक्स्ट में देखो, लास्ट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन फॉर्मेट. कॉम्बिनेशन मतलब क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका? क्रोनोलॉजिकल का और फंक्शनल का. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में मतलब क्या, स्किल्स पर भी ध्यान दिए जाएंगे और एक्सपीरियंस में भी ध्यान दिया जाएगा. ठीक है, सो देखो ही हैज शोकेस्ड हिज स्किल्स इन दिस कॉम्बिनेशन. देखो उसने क्या लिखा है, ओवरव्यू ऑफ स्किल्स में, फिर वापस उसने कंप्यूटर स्किल्स का भी अलग से बनाया है. ठीक है, एंड देन वो उसने कौन से प्रोग्राम्स, 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, उसकी भी एक लिस्ट बना के लिखी है. ठीक है, एंड देन लास्ट में डिक्लेरेशन एंड रेफरेंस. नाउ वी आर गोइंग टू राइट टू रेज्यूमेस नाउ. अब एक बात सुनो, आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा रेज्यूमे, विच इज मोस्ट प्रोबेबल टू कम, दिस विल कम फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, अब रेज्यूमे में आपको वो खुद से होके नहीं बोलेंगे टू मेक अ कवर लेटर, पर आपको कवर लेटर हर रेज्यूमे में बनाना है, एल्स डायरेक्टली यू विल लूज 2 मार्क्स. तो रेज्यूमे में वापस इसमें सब क्लासिफिकेशन है, रेज्यूमे के मार्क्स हैं टोटल 3
और कवर लेटर के मार्क्स हैं टोटल 2, ऐसे मिला के होते हैं 5 मार्क्स। क्वेश्चन में कभी भी नहीं लिखा होगा मेक अ कवर लेटर, पर वो खुद से होके बनाना है, एल्स सिर्फ 3 मार्क्स के ऊपर आपको जो जितने मार्क्स दिए जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कवर लेटर। अब जब आप किसी को रेज्यूमे भेजते हो, आप सिंपली अपना रेज्यूमे नहीं भेजते हो, उसके साथ साथ एक कवर लेटर बनाते हो। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कवर लेटर। देखो यहाँ पर लिखा है, सिंस अ कवर लेटर इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज अ रेज्यूमे, इट मस्ट बी ड्राफ्टेड विद एक्सट्रीम केयर। अ कवर लेटर मस्ट बी गिवन टू द रेसिपिएंट टू अ रीजन टू बी इंटरेस्टेड इन यू। इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पोजिशन। तो कवर लेटर में बेसिकली आपको लिखना क्या है कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, ये लिखना है। अच्छा कवर लेटर लेटर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट भी कैसा होगा, लेटर के जैसे ही होगा। लेटर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है, इसलिए दिस इज द लास्ट चैप्टर विच आई टेक। देखो कम टू द सैंपल, सैंपल में आ जाओ डायरेक्टली कवर लेटर के सैंपल में। अच्छा लेटर के स्टार्टिंग में क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, करेक्ट। यहाँ पर भी देखो वही दिया हुआ है, इंदिरा नगर 2nd फ्लोर लखनऊ। फिर क्या आता है उसके बाद, डेट आता है। फिर क्या आता है, जो इंसान भेज रहा है उसका एड्रेस, डियर, एंड सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट। अब इसमें इंट्रोडक्टरी पैरा, मेन पैरा, कंक्लूजन, पढ़ लो, रीड ऑल द 3 पैराग्राफ्स। Once you're done reading the cover letter, quickly इसके नीचे कुछ points हैं, read those points, points to remember while writing a cover letter. सबसे important point second वाला है, do not repeat information which is already provided in your resume. नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं बचता है. Keep it short. Mention what post you are applying for. Why are you interested in the job? बस इतनी काफी है. चलो गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, रेज्यूमे राइटिंग चैप्टर 12। लिखो, स्टार्ट करना स्लो स्लो, ठीक है, फिर भले 6 बच्चे हैं, चलेगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, ये तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन में डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। यू आर स्मिता वर्मा, यू आर स्मिता वर्मा, फुल स्टॉप। यू केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट, यू केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, यू केम अक्रॉस द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर इन ए नेशनल डेली, इन ए, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इन ए नेशनल डेली, फुल स्टॉप। The advertisement read that the candidate must have at least 5 years of experience in teaching. The candidate must have at least 5 years of experience in teaching. Interested candidates should apply to the principal, AKS International, AKS International, The candidates should apply to the principal,
AKS International, comma Indirapuram, comma New Delhi. To the principal, comma AKS International, comma Indirapuram, comma New Delhi. Within 10 days, within 10 days, with a detailed resume. AKS International, comma Indirapuram, comma New Delhi. Within 10 days, with a detailed resume. ये क्वेश्चन है, ठीक है? पहले क्या बनाओगे? पहले क्या बनाओगे? कवर लेटर लिखो, गिव द हेडिंग, कवर लेटर बोला है क्या बनाने? बोला है क्या? पर बनाओगे क्या? गुड, लिखो. अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे ही लिखो, एक्सट्रीम लेफ्ट पर राइट डाउन सेंडर्स एड्रेस, जस्ट राइट सेंडर्स एड्रेस. अब हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ रहे हैं, ठीक है? जस्ट राइट डाउन सेंडर्स एड्रेस. लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन रिपीट प्लीज. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल, कॉमा AKS International, comma Indirapuram, comma New Delhi, within 10 days, within 10 days, with detailed resume. Likha? Should I repeat again? चलो ठीक है. हाँ, लिखो extreme left पर. Also what? Okay. लिखो sender's address. उसके नीचे write down date. यू हैव टू राइट द वर्ड डेट, मतलब डेट. अब तुम लिखो यहां पर, जब लिखोगे तो वर्ड डेट नहीं लिखना है. ये तो मैं आपको अभी लिखा नहीं रही हूं कि कौन सा एड्रेस है. सो वी आर जस्ट राइटिंग सेंडर्स एड्रेस, फिर आप फिल कर लेना. उसके नीचे आएगा डेट, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स डेजिग्नेशन. उसके नीचे आएगा रिसीवर्स डेस्टिनेशन या एड्रेस, एड्रेस ही लिखो रहा है, ठीक है? अच्छा, रिसीवर्स एड्रेस आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो चाहिए तो लिख सकते हो द प्रिंसिपल AKS इंटरनेशनल इंदिरापुरम न्यू दिल्ली, पर एग्जाम में लिखना. चलो नेक्स्ट क्या आएगा? अब देखो इसमें ना, व्हाट दे हैव डन, दे हैव पुट सैल्यूटेशन फर्स्ट एंड देन द सब्जेक्ट, और तुम्हारे मॉड्यूल में भी ऐसा दिया हुआ है, तो फिर ऐसा ही लिखो. राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम कॉमा, पर ऐसे नहीं आता है, राइट? तो फिर लिखो सब्जेक्ट, क्योंकि पूरे तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसा ही दिया हुआ है, एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर. सो राइट डाउन सब्जेक्ट, देन लिखो सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर. मेरे हिसाब से तो वही आएगा, पर मॉड्यूल इज सेइंग समथिंग डिफरेंट. सब्जेक्ट ही लिखो पहले, इतने सालों का पढ़ा वेस्ट थोड़ी कर जाएगा. लिखो सब्जेक्ट ही पहले, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, ठीक है? उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन पर, डियर सर ऑब्लिक मैम कॉमा, डियर सर ऑब्लिक मैम कॉमा. नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट राइटिंग, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, दिस इज विथ रेफरेंस, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू, द
दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड डैश फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर in your esteemed organization full stop I'll repeat the line again this is with reference to your advertisement in the Hindu dated dash for the post of nursery teacher in your esteemed organization full stop I wish to apply for the same likho I wish to apply for the same. Full stop. Next para se likho. I am a hardworking and honest person. Who is passionate about the noble profession of teaching. I am hardworking and honest person who is passionate about the noble profession of teaching. Full stop. I wish to make a difference. I wish to make a difference in the lives of people through education. Full stop. Next para likho. I am enclosing my resume herewith for your reference. Full stop. I shall be available for an interview on any day as per your convenience. Full stop. Next line par likho. Immediately next line par. If selected, I assure you that. I assure you that I shall work with utmost devotion and sincerity to your full satisfaction if selected, I assure you that I shall work with utmost devotion and sincerity to your full satisfaction, leave a line. Next line par likho. Hoping for a favorable response. Full stop. Leave a line. Write down. Yours sincerely, comma. Next line par. Smita Verma. Done writing. Sabka ho gaya likh ke.
ये हमने क्या लिखा है अभी, कवर लेटर, ठीक है. यस, डू यू ऑल वांट मी टू रिपीट द वंस हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन? अब ये आपने लिखा ना, योर सिंसियरली कॉमा, नेक्स्ट लाइन पर स्मिता वर्मा, उसके बाद लीव अ लाइन एंड राइट डाउन द वर्ड एनक्लोजर. एनक्लोजर्स मतलब आपने इसके कवर लेटर के साथ साथ क्या क्या भेजा है. एनक्लोजर्स पॉइंट वन, पॉइंट वन में आएगा टेस्टिमोनियल्स. और रेज्यूमे बहुत ज्यादा. लिखा एनक्लोजर में एनक्लोजर्स, स्मिता वर्मा के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन एनक्लोजर वर्ड, और ये कैपिटल में आना चाहिए. एंड उसका पॉइंट वन है एंड पॉइंट टू, ठीक है. नेक्स्ट पेज पर राइट डाउन, मैं एक स्टार्टिंग का पार्ट बना रही हूँ. लिखो इन द मिडिल में लिखना, ठीक है. स्मिता वर्मा, ये पहले उसका नाम आएगा, फिर उसका एड्रेस हमको लिखना है इसके नीचे, D20 कवि नगर. नाम लिखना है ना मिडिल में. हाँ, कवि नगर और यूपी. फिर यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9881 एंड पुट ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस मार्क. फिर उसके बाद यू कैन जस्ट मेक अ ईमेल आईडी स्मिता वर्मा एट द रेट. हाँ, बीच में लिखना है, ये चारों चीजें बीच में आएंगी. डन. हो गया लिख के, स्मिता वर्मा, उसके नीचे उसका एड्रेस, फोन नंबर और एक ईमेल आईडी आपने दे दी, ठीक है. उसके बाद लीव अ लाइन और कैपिटल में लिखो यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट पर वर्क एक्सपीरियंस. आफ्टर राइटिंग द ईमेल आईडी लीव अ लाइन एंड राइट डाउन एक्सट्रीम लेफ्ट पर इन कैपिटल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है. वर्क एक्सपीरियंस के नीचे लिखो, राइट डाउन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन. वर्क एक्सपीरियंस के नीचे राइट डाउन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पुट अ हाइफन. अब हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हैं कि वो पहले कहाँ काम करती थी, सो ऑर्गेनाइजेशन के बाद पुट अ हाइफन, राइट डाउन इंडियन पब्लिक स्कूल. डैश ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पुट अ डैश, ठीक है. राइट डाउन इंडियन पब्लिक स्कूल. इंडियन पब्लिक स्कूल ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहां पर वो पहले काम करती थी, ठीक है. इंडियन पब्लिक स्कूल लिखा. अब ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिखो पोजिशन हेल्ड, अगेन पुट अ डैश. ऑर्गेनाइजेशन के नीचे पोजिशन हेल्ड, वहां पर वो क्या पोजिशन पर काम करती थी, पोजिशन हेल्ड हाइफिन, राइट डाउन नर्सरी टीचर. नर्सरी टीचर, ठीक है. अब पोजिशन हेल्ड के नीचे लिखो फ्रॉम, फ्रॉम पुटा हाइफिन, राइट डाउन जुलाई 2008. फ्रॉम जुलाई 2008. फ्रॉम के नीचे लिखो टू, टू डिसंबर 14. डन. टू डिसंबर 14, फ्रॉम जुलाई 2008 टू डिसंबर 14. नाउ अगेन लीव अ लाइन और अभी कैपिटल में लिखो एक्सट्रीम लेफ्ट पर अकेडमिक क्वालिफिकेशन. अकेडमिक क्वालिफिकेशन
academic qualification. Now in this, the best way to write is to make a table. ठीक है, तो अभी हम एक टेबल बनाने वाले हैं. राइट डाउन क्वालिफिकेशन इज द फर्स्ट वन. क्वालिफिकेशन के बाद आएगा स्ट्रीम, देन इंस्टीट्यूट, फिर ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज. हाँ, so this is, these are the few columns, 1, 2, 3, 4, 5. First qualification is NTT, that is nursery teaching, a trainer's teaching. ठीक है, nursery training teaching, trainers teaching, ऐसा कुछ तो है NTT का फुल फॉर्म. स्ट्रीम में कुछ मत लिखो, इंस्टीट्यूट में लिखो लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्स. ईयर ऑफ पासिंग इज 2008. लक्ष्मीबाई कॉलेज के नीचे लिखो दिल्ली, ईयर में 2008, परसेंटेज में 65. एनटीटी के बाद है बीए, स्ट्रीम में है ह्यूमैनिटीज, फिर इंस्टीट्यूट में है सेंट मैरीज कॉलेज, सेंट मैरीज कॉलेज अगेन यहां पर नीचे लिखो दिल्ली, ईयर ऑफ पासिंग 2006, परसेंटेजेस फर्स्ट डिवीजन लिखा है यहां पर. फर्स्ट डिवीजन, ग्रेड 10. डन राइटिंग, डन मेकिंग दिस टेबल. Yes, the ones you all are attending online, likha hai table. Okay, now once you are done writing the table, leave a line extreme left par, likho capital mein skills, skills. इन कैपिटल राइट डाउन द वर्ड स्किल्स, लिखा. अब एक एक करके हम इसके स्किल्स लिखने वाले हैं, उसके बाद इमीजिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिखो एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द फर्स्ट स्किल, एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट. हाँ, यू कैन गिव द नंबरिंग, एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द फर्स्ट स्किल. उसके नीचे लिखो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट,
highly organized. This is the second one, highly organized and efficient. Highly organized and efficient. और थर्ड स्किल लिखो लास्ट, लीडरशिप स्किल्स एंड अबिलिटी टू मोटिवेट. लीडरशिप स्किल्स एंड अबिलिटी टू मोटिवेट. ठीक है, तीन स्किल्स हमने लिखे हैं. लास्ट वाला कौन सा है? लीडरशिप स्किल्स एंड अबिलिटी टू मोटिवेट. लिखा तीनों स्किल्स. नाउ अगेन लीव अ लाइन एक्सट्रीम लेफ्ट पर, कैपिटल में लिखो हॉबीज. हॉबीज put a hyphen ya put a colon whatever, right? Interacting with people and reading novels. Interacting with people and reading novels. Interacting with people. Interacting with people and reading novels. Full stop. Again leave a line, extreme left, capital, languages known. Capital mein likho languages known. Put a colon and write down English, Hindi, Marathi, French. English, Hindi, Marathi, French. तुम add भी कर सकते हो, German भी लिख सकते हो if you want. ठीक है, languages known में English, Hindi, Marathi, French. और next लिखो languages known के बाद, leave a line, write down again extreme left, capital. References. References. Put a colon or likho. Will be provided upon request. Will be provided upon request. ठीक है. और इसके बाद क्या आता है? रेफरेंस के बाद सबसे लास्ट वाली चीज कौन सी आती है? लिखो यहां से कॉपी कर लो. देखो यहां पर कैसे लिखा हुआ है. अगेन आपको वापस कैपिटल में लिखना पड़ेगा डिक्लेरेशन. सो ये पूरा लास्ट पार्ट कॉपी कर लो यहां से, डिक्लेरेशन की ये वो एक लाइन. उसके बाद डेट, प्लेस और एक्सट्रीम राइट पर क्या लिखोगे? स्मिता वर्मा. ये इतना पार्ट कॉपी कर लो यहां से, मैंने मार्क किया है. राइट डाउन द वर्ड डिक्लेरेशन. नेक्स्ट लाइन पर लिखो आई सोलेमनली डिक्लेयर दैट ऑल अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. नेक्स्ट लाइन पर डेट कोलन, नेक्स्ट लाइन पर प्लेस कोलन और एक्सट्रीम राइट पे नाम. डन हो गया लिख के. नाउ इंटायरली रीड दिस क्वेश्चन, पूरा कवर लेटर पढ़ो एंड गो थ्रू द रेज्यूमे पार्ट. आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, पूरा एक बार देख लो. स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है. बायोडेटा इज फॉर मैरिज पर्पसेस. सीवी और रेज्यूमे एक होता है. सीवी का फुल फॉर्म क्या है? सीवी का इट इज करिकुलम वाइटे. सीवी और रेज्यूमे एक होता है. बोथ आर यूज फॉर वर्क पर्पसेस. ठीक है, प्रोफेशनली हम सीवी बनाते हैं, पर्सनली फॉर मैरिज पर्पसेस बायोडाटा बनता है. ठीक है, चलो राइट डाउन लास्ट वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, टेक अ फ्रेश पेज एंड राइट डाउन.
Should I dictate the next question? लिखो, write a detailed resume. Write a detailed resume for the application. Write a detailed resume for the application. For the application. For the post of. For the application. For the post of. For the post of article assistant. For the post of article assistant. अब ये कौन होगा? The one who has completed IPCC. ठीक है? He will apply for articleship. हम उसके लिए resume बना रहे हैं. ठीक है? तो write a detailed resume for the post of article assistant. चलो सबसे पहले क्या बनाओगे? तो कवर लेटर में एग्जैक्टली वहां पर भी हमने जैसे लिखा है, फर्स्ट क्या आएगा, तो एज इट इज अभी वापस से कॉपी कर लो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, ये चार चीजें एक साथ लिख लो फटाफट, एक के बाद एक के बाद एक. सेंडर्स एड्रेस, फिर आएगा डेट, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड रिसीवर्स एड्रेस. लेटर का कभी भी फॉर्मेट भूल मत जाना, इफ यू फॉरगेट दिस पार्ट. अब मैंने आपको क्या बोला, कवर लेटर कितने मार्क्स का आएगा, मतलब हाउ मच मार्क्स इट होल्ड्स, 2 मार्क्स. उसमें से भी इफ यू फॉरगेट दिस मार्क, तो 1 मार्क तो एज इट इज कट हो जाएगा, तो फिर कंसिडर क्या होगा, राइट? सो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स. सो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस. लिखो आप सब्जेक्ट. Write down the word subject, put a hyphen and write down application for the position of, application for the position of, application for the position of an article assistant, for an article assistant. Application for the position of article assistant. Next line पर क्या आएगा? Dear sir / ma'am, comma. Respected भी लिख सकते हो, dear भी लिख सकते हो. नहीं, now it is allowed. पहले से mindset होता था that if you are writing to an employer or to a superior person, तो respected आएगा. But now we are following the US pattern. US में कभी भी respected नहीं लिखते हैं. They directly, in fact, they write down the name only. कि अगर तुम हायर अथॉरिटी को भी एड्रेस कर रहे हो वो डायरेक्टली नाम लिख लेते हैं. सो वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न, बट वी स्टिल कंसीडर द वर्ड डियर. लिखो डियर सर / मैम, पुट अ कॉमा, नेक्स्ट लाइन से लिखो स्टार्ट करना. दिस इज विद रेफरेंस टू योर, दिस इज विद रेफरेंस टू योर नोटिस, विद रेफरेंस टू योर नोटिस Hosted at your website, hosted at your website, dated dash. This is with reference to your notice, hosted at your website, dated dash, for recruitment of article assistant, for article assistant. In your esteemed organization, for the recruitment of article assistant, recruitment of article assistant in your esteemed organization, full stop, in your esteemed organization, full stop. I wish to apply for the same. I wish to apply for same. Full stop. So, ये first para आप हर एक में लिख सकते हो. This is with reference to your notice posted at your website, dated dash. अच्छा, dated में आपको date लिखनी है. ठीक है, अभी मैंने सिर्फ dash बोला है. Dated dash
for recruitment of article assistant in your esteemed organization full stop. I wish to apply for the same. Next para mein likho. I am an outgoing comma. I am an outgoing comma. Diligent comma. Open to learning. And have an excellent command over English. I'll repeat this line again. I am an outgoing, comma, diligent, comma, open to learning, and have an excellent command over English. Full stop. I completed my CA intermediate exam in November 2017-18, कुछ भी लिखो. I completed my CA intermediate exam in November and the year. ठीक है? Full stop. I have a keen interest in law, comma, audit and financial reporting. I have a keen interest in law, comma, audit and financial reporting. Dekha? Next para likho, ab last wala. Please find my resume and other credentials enclosed. Please find my resume and other credentials enclosed. Herewith. Please find my resume and other credentials enclosed herewith. Full stop. Next line mein likho ab. I will be readily available for a personal interaction anytime. Ye last line aapko har ek cover letter mein likhni hai, theek hai? I will be readily available for a personal interaction anytime as per your convenience. Leave a line and write down, looking forward for a favorable reply. Again, leave a line, write down, yours sincerely, comma. Next line pe koi naam likh lo, write down, Shyam. Yours sincerely, comma. Next line par write down the word Shyam. Again, leave a line. Aur fir kya likhoge? Yours sincerely, comma. Next line par write down Shyam. Leave a line. अब क्या लिखोगे? Enclosure in capital word. और enclosure में वही दो चीजें, testimonials और resume. ठीक है? Yours sincerely, comma, Shyam. Next line पर लीव अ लाइन, राइट डाउन द वर्ड इनक्लोजर. जो पहले भी आपने कवर लेटर में लिखा है इनक्लोजर वर्ड, उसमें हमने दो चीजें लिखी थी, फर्स्ट इज टेस्टिमोनियल, सेकेंड इज रेज्यूमे. लिखा, पूरा हो गया कवर लेटर. ठीक है, नाउ टेक अ फ्रेश पेज एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ विथ रेज्यूमे. ठीक है, रेज्यूमे भी अगेन इन द मिडिल क्या आएगा, राइट डाउन श्याम, और एक उसका सरनेम दे देना,
फिर परमानेंट एड्रेस में लिखो, नेक्स्ट लाइन उसके इमीजिएटली नीचे रॉयल इनक्लेव, रॉयल इनक्लेव साउथ एक्सटेंशन, साउथ एक्सटेंशन कॉमा तमिलनाडु, उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं 9881 एंड पुट XXX एंड उसके बाद यू कैन मेक अ ईमेल आईडी श्याम और जो श्याम@gmail.com। ये चार चीजें आती ही आती हैं, ठीक है। अब ये आईपीसीसी पास्ट है तो इसके पास एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली विल स्किप टू विल जंप टू क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले रेज्यूमे में हमने क्वालिफिकेशंस के लिए एक टेबल बनाई थी, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी विल प्रिपेयर अ टेबल, यही सब आएगा इनफैक्ट, तो वैसे ही बना लो। क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज। आई डिक्टेट, लिखो, फर्स्ट लिखो क्वालिफिकेशन, फर्स्ट कॉलम है क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन, फिर आएगा इंस्टीट्यूट, स्ट्रीम नहीं है इसमें, फिर आएगा इंस्टीट्यूट काफी है, फिर आएगा ईयर ऑफ पासिंग और फिर परसेंटेज, चार काफी है इसमें। अब सबसे रीसेंट वाला कौन सा होगा क्वालिफिकेशन? रीसेंट वाला क्वालिफिकेशन क्या होगा? सीए इंटर ही होगा। तो आपको चाहिए तो आप सीए इंटर से लेके नीचे तक जाओ, ऑफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज 10th स्टैंडर्ड, कुछ भी कर सकते हो। वी स्टार्ट विद 10th फॉर दिस टाइम, सो लिखो 10th, इंस्टीट्यूट में लिखो बिशप, ईयर ऑफ पासिंग में 2000 और XX लिखो, यहाँ पर टोटल कितना होता है आईपीसीसी में? 800 है। ये हमने ऊपर एड्रेस क्या लिखा था? तमिलनाडु ना, ईयर ऑफ पासिंग में कुछ मत लिखो, और हाँ ईयर ऑफ पासिंग में राइट डाउन परस्यूइंग, और ये परसेंटेज वाला कॉलम, मार्क्स वाला कॉलम छोड़ दो, बिकॉज अब तक परस्यू ही कर रहे हो।
ठीक है, लिखा पूरा टेबल, नाउ आफ्टर द टेबल लीव अ लाइन और कैपिटल में लिखो एक्सट्रीम राइट लेफ्ट पर, राइट डाउन द वर्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लिखा ट्रेनिंग वर्ड, अब उसमें एक के बाद लिखते जाना जरा अराउंड थ्री टाइप्स, फर्स्ट में लिखो फर्स्ट ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग पुट अ हाइफन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग पुट अ हाइफन, और उसके अंदर लिखो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड 100 hours, कंप्लीटेड 100 hours कंडक्टेड बाय ICAI, कंडक्टेड बाय ICAI इन वर्चुअल मोड, इन वर्चुअल मोड फुल स्टॉप। फर्स्ट ट्रेनिंग कौन सी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हाइफिन कंप्लीटेड 100 hours कंडक्टेड बाय ICAI इन वर्चुअल मोड। अब सेकेंड ट्रेनिंग लिखो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेकेंड ट्रेनिंग है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, पुट अ हाइफिन अगेन एंड राइट डाउन कंप्लीटेड 100 hours कंडक्टेड बाय ICA इन वर्चुअल मोड, एज इट इज कॉपी कर लो, कंप्लीटेड 100 hours कंडक्टेड बाय ICAI इन वर्चुअल मोड। थर्ड ट्रेनिंग लिखो ऑनलाइन ट्रेनिंग इन टैली, थर्ड वन इज ऑनलाइन ट्रेनिंग इन टैली, पुट अ हाइफन ऑनलाइन ट्रेनिंग इन टैली, पुट अ हाइफन, लिखो 20 hours of ऑनलाइन ट्रेनिंग, 20 hours of ऑनलाइन ट्रेनिंग एट वेब लिंक्स, एट वेब लिंक्स, ये एक वर्ड है वेब लिंक्स लिखा। थर्ड ट्रेनिंग कौन सी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग इन टैली, ऑनलाइन ट्रेनिंग इन टैली 20 hours of ऑनलाइन ट्रेनिंग एट वेब लिंक्स, डन। ये हो गई ट्रेनिंग पार्ट, लीव अ लाइन अगेन कैपिटल में लिखो स्किल्स, skills, leave a line after training, write down the word skills, put a hyphen या put a colon whatever, और उसमें first skill लिखो good grasp over law comma good grasp grasp good grasp over law comma audit, law comma audit and strategic management ये उसकी first skill है, good grasp over law comma audit and strategic management। second skill लिखो good analytical skills, this is the second one, good analytical skills, write down the third one, good command over tally, लिखो good command over tally and MS Office, good command over tally and MS Office, ठीक है, these are the skills, leave a line, write down the word hobbies, put a colon, फिर तो जो तुम्हारी हॉबीज है वही लिख लो, हैं तुम्हारी कोई हॉबीज लिखो, हाँ फिलहाल बंद है पर है क्या वैसे लिखो, यू कैन राइट एनीथिंग, हाँ लिख सकते हो, अब इसने लिखा है लिसनिंग टू मोटिवेशनल टॉक्स,
सकते ये नहीं लिख सकते हो ना। लिसनिंग टू मोटिवेशनल टॉक्स यू कैन राइट दिस वन, फिर यू कैन ऑल्सो राइट इंटरैक्टिंग विद पीपल, इंटरैक्टिंग विद पीपल या रीडिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हॉबीज के नीचे लिखो लैंग्वेजेस नोन, और लिखो दो तीन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस नोन इंग्लिश हिंदी मराठी, एंड यू कैन जस्ट ऐड अप वन मोर। तेलुगु, आती है तुमको, लिखना भी। चलो लास्ट में क्या आता है, क्या आता है लास्ट में, हाँ लिखो डिक्लेरेशन। यहां पर मैंने मार्क किया ऑलरेडी क्या क्या लिखना है। हम रेफरेंस नहीं लिखे, लिखना है लिखो, रेफरेंस नहीं लिखना तो भी चलेगा, बट इफ यू आर राइटिंग रेफरेंस ना तो फिर हमेशा ऐसे ही लिखना विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, इजी पड़ जाता है। Done. Declaration, that particular line, date, place, और फिर extreme right पर आएगा उसका नाम। नाम क्या लिखा था इसका? अब ना जो तुम्हारा module है उसमें ना दो तीन samples और additionally दिए हुए हैं, so I would recommend you to go through those as well. ये नोट्स के लास्ट में आपके पास एक लिस्ट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। ओके, अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में देयर इज वन वर्ड जिसके दो सिनोनिम्स दिए हैं, ठीक है, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना। सिनोनिम्स का भी लिस्ट है, एंटोनिम्स का भी लिस्ट है। ओके, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर 40 मार्क्स। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि ना, अब देखो तुम्हारा 40 मार्क्स का पूरा पोर्शन हो गया है, सो यू टेक एनी पेपर, नवंबर का लो 18 का, मे का लो 18 का, और वट एवर 18, 19, 17 वट एवर, एंड सॉल्व द इंटायर 40 मार्क्स एंड देन सेंड इट टू मी। ठीक है, और फिर मुझे बता देना कि कौन से अटेम्प्ट का तुमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इतना कर लो, एटलीस्ट दो पेपर्स तो सॉल्व कर ही लो ना, जब भी वेन एवर यू फील कि तुम्हारा ये स्लॉट फ्री है और ज्यादा लोड नहीं है अकाउंट्स और मैथ्स का, इन दैट टाइम आई एम सेइंग, बट इसको कंप्लीटली इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर करोगे तो ये तुमको पक्के से ये कर देगा। ठीक है, अकाउंट्स और मैथ्स में 80s और 90s में भी मार्क्स आते हैं, लॉ में 40 आना भी मुश्किल है, ये मैं बता रही हूं अभी। एंड आई एम सेइंग वन मोर थिंग कि व्हेन सर स्टार्ट्स विद कंपनी लॉ और पार्टनरशिप, तो तुम्हारा थ्योरी यहां पर हो जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू टेक लिटिल मोर एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड एंड फाइंड द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर सर डिक्टेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, या अगर तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, वेल एंड गुड, बट अगर अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है वो चैप्टर की, तो खुद से एफर्ट्स लो। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा का तो हो ही गया है। वन लास्ट थिंग, टुडे इज 4th मार्च, राइट, 5th को तुम्हारी कल यूनिट 4 की टेस्ट है, करेक्ट, तो मैं आपको पेपर भेज दूंगी, दैट विल मेक श्योर कि ये हमारा कंटिन्यू हो पार्ट। सो टुमारो इज यूनिट 4 का टेस्ट ऑफ ICAI ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और 10th को फिर यूनिट 3 का टेस्ट ले लूं, 10th या 12th, वट एवर इट इज। ठीक है, चलो देन, टेक केयर एवरीबडी। I will miss you all too. मतलब तुम्हारे तो फिर भी तुम क्लासेस में आते रहोगे, अटेंड करते रहोगे, मेरा तो 12th स्टैंडर्ड भी हो गया, so I have nothing to do now except my college work.
एंड हाँ